अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, ये लताइफ इस जज्बे और अंदिये से पेश किए जाते हैं कि जहाँ तक बन पड़े आपकी उदासी और अफसरदगी में कमी आ सके और समाजी जिंदगी को मुस्कुराहटों और कहकहों से मालामाल किया जा सके। तो चलिए सुनते हैं कुछ चीदा चीदा लताइफ। मुसाफिर ने स्टेशन मास्टर से कहा, जनाब जब हर गाड़ी लेट आती और लेट जाती है तो फिर रेलवे को टाइम टेबल बनाने का क्या फायदा है? स्टेशन मास्टर ने उसके सवाल का तमस्खर उड़ाते हुए कहा, अगर गाड़ियां बरवक्त आना जाना शुरू हो जाएं तो फिर आप लोगों को ये एतराज शुरू हो जाएगा कि वेटिंग रूम बनाने का क्या फायदा है। सही कहा। एक दोस्त की बहुत अरसे बाद दूसरे दोस्त से मुलाकात हुई तो उसने बच्चों के बारे में पूछा। उसने कहा, एक बेटा तो इंजीनियर है, दूसरा डॉक्टर, जबकि तीसरा वकील है। उसने पूछा, चौथा कैसा है? उसने कहा, वो पढ़ लिख ना सका, लिहाजा वो दर्जी की दुकान करता है। दोस्त ने कहा, तो फिर आपने उसे घर पे क्यों रखा हुआ है? दोस्त ने कहा, कैसे ना रखूं, वही तो घर का खर्चा चलाता है और बुढ़ापे में हम मियां बीवी की देखभाल कर रहा है। सच है। एक सयाह ने होटल वाले को 3 अंडों का ऑर्डर दिया। जब बिल आया तो एक अंडे की कीमत 15 रुपए दर्ज थी। ग्राहक ने कहा, क्या इस इलाके में अंडों की इतनी किल्लत है कि एक अंडा 15 रुपए में फरोख्त करते हो? होटल वाले ने जवाब दिया, अंडों की किल्लत तो नहीं है, अलबत्ता ग्राहकों की किल्लत जरूर है। यही हो रहा है आजकल। एक फर्म के मालिक ने एक तकरीब में अपने अमले से खिताब करते हुए कहा, दौलत कमाने के वैसे तो सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन ईमानदारी और दयानतदारी से अमीर बनने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक मुलाजिम ने खड़े होकर पूछा, वो क्या तरीका है? मालिक बोला, ऐसा तरीका मैंने किसी किताब में पढ़ा था जो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। एक दोस्त अपने दोस्त के यहाँ गया तो इसका खौफनाक कुत्ता भौंकने लगा। मेजबान दोस्त ने दूसरी मंजिल से झांकते हुए कहा, डरते क्यों हो, क्या तुमने ये मकूला नहीं सुना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं? दोस्त ने कहा, मैंने तो सुना है, लेकिन तुम्हारे इस खौफनाक कुत्ते ने शायद ना सुना हो। मियाँ बीवी को घर के दरवाजे पर एक खूबसूरत लिफाफा मिला जिसमें सर्कस के 2 फ्री टिकट थे। खावंद ने कहा, टिकट उसके मेहरबान दोस्त ने भेजे हैं, जबकि बीवी तकरार करने लगी, नहीं उसकी सहेली ने भेजे हैं। ताहम दोनों सर्कस देखने चले गए, लेकिन रात गए जब वापस लौटे तो घर सामान से बिल्कुल खाली था और मेज पर लूट मार करने वालों का एक रुका लिखा पड़ा था जिस पर लिखा था, कहिए सर्कस का शो कैसा रहा? आप जरूर बताइएगा कमेंट करके।